नमस्कार दोस्तों, YouTube के अनिल टेक्निकल चैनल में मैं अनिल बिरारी आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हर बार की तरह मैं आपके लिए लाया हूँ एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी। जी हाँ, ऑप्शंस के ऊपर ये बाइंग करने की यानी कॉल और पुट बाय करने की स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाओगे। हाँ, जो बता रहा हूँ मैं, कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाओगे। तो इसके अंदर क्या करना है, कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और दोस्तों, फिर से कहना चाहूंगा, जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, जो मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि इस चैनल के ऊपर ऑप्शंस के रिगार्डिंग अच्छी क्वालिटी कंटेंट, प्रीमियम वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड करते रहता हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस, छोटे मोटे प्रीमियम कोर्सेस मैं यहाँ पे डालते रहता हूँ। तो आप इस चैनल का जरूर फायदा उठाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन हिट करें ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो और कंटेंट आपके पास हमेशा मिलते रहे। दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइक करना भूल जाते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। दोस्तों देखो, इस स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए, ओके, आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो भी ब्रोकर होगा या फिर आप investing.com या फिर tradingview.com का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्ट्रेटजी के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है, इस स्ट्रेटजी के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें, आपको मैं बताना चाहूंगा, हमें जो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वो चीज़ है दोस्तों, हमें यहाँ पर लगने वाला है 5 मिनट का चार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लगेगा 5 मिनट का चार्ट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमें लगेगा यहाँ पर 15 मिनट का ब्रेकआउट, 15 मिनट का ब्रेकआउट, ठीक है। ओके, उसके बाद यहां पर आपको लगेगा पर्टिकुलर कॉल और पुट का चार्ट, ठीक है, कॉल और पुट का चार्ट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहां पे आपको लगेगा डिसिप्लिन, आपको यहां पे डिसिप्लिन फॉलो करनी है, डिसिप्लिन। एंड उसके बाद आपका वन लॉट मनी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ठीक है, मनी मैनेजमेंट, ये चीजें दोस्तों आपको यहां पे फॉलो करनी है। फिर से बताता हूँ क्या क्या चीजें हमें लगेगी इस स्ट्रेटजी के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें 5 मिनट का चार्ट लगेगा जो कि हमारा रहेगा कॉल और पुट का, यानी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का। उसके बाद में 15 मिनट का ब्रेकआउट लगेगा जो कि हमें 15 मिनट के चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी का, इसमें मैं थोड़ा ऐड कर लेता हूँ, ये स्ट्रेटजी के अंदर क्या रहना है, हमें बैंक निफ्टी का चार्ट, ये जो चार्ट कौन सा देखना है आपको, बैंक निफ्टी का, ठीक है। जस्ट मैं लिख देता हूँ बैंक निफ्टी चार्ट, बैंक निफ्टी चार्ट, ओके। दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट आपको देखना है, 15 मिनट के ऊपर ब्रेकआउट देखना है, ओके। उसके बाद में कॉल और पुट का हमें चार्ट में पर्टिकुलर जाना है, अगर कॉल के तरफ ब्रेकआउट होता है, मतलब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो कॉल खरीदना है, कॉल का चार्ट लेंगे, और अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो पुट का चार्ट लेंगे। डिसिप्लिन फॉलो करना है, यानी डिसिप्लिन में क्या होता है दोस्तों, फिर से बताना चाहूंगा, ये स्ट्रेटजी कम से कम आपको 22 दिन फॉलो करनी है, 22 डेज। यानी बात करूं स्टॉप लॉस और टारगेट की, अगर आपका 3 दिन लगातार स्ट्रेटजी से अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है, स्टॉप लॉस हिट भी होता है, तो भी आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट इसको करते रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने 3 4 दिन कर लिया लॉस हो रहा है तो आपको छोड़ना है, नहीं, आपको कंसिस्टेंट 22 दिन के लिए इसको प्रिपेयर रहना है, कंटिन्यूअस 22 दिन। में गारंटी के साथ कहता हूँ आपको लॉस तो होगा ही नहीं, बट कहता हूँ कि बहुत सारे लोगों का पेशेंस नहीं होता। शेयर मार्केट के अंदर जो डिसिप्लिन के साथ काम करता है, जो पेशेंस के साथ काम करता है, वही सक्सेस होता है। तो ये वीडियो को एंड में आपको पता चल जाएगा कि सच में कितनी ये स्ट्रेटजी पावरफुल है, और मुझे आप फाइनली लाइक करके जाओगे और वीडियो को लाइक करके जाओगे। और मैं फिर से कहना चाहूंगा, अगर इस वीडियो को कम से कम 10,000 लाइक्स मुझे मिलते हैं तो आपको इससे भी और बेहतरीन स्ट्रेटजी, जो प्राइस सेक्शन की प्रीमियम क्वालिटी स्ट्रेटजी रहेगी दोस्तों, वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा, ओके। और डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन को फॉलो करना है और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है, ओके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए यहां पर आपको क्या करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जब भी 15 मिनट का जो ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे आप पहले इसको देख लीजिएगा। एग्जाम्पल तौर पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि समझो ये लेवल है हमारी, ये अगर ये 41,523 की लेवल है, मार्केट अगर इस लेवल को अगर इस तरह से मार्केट अगर इस लेवल को ऐसे ब्रेक करता है, समझो इसको आपने मार्केट ने ब्रेक कर लिया, तो करना क्या है कि आपको ब्रेकआउट के ऊपर डायरेक्टली आपको एंट्री नहीं लेना है। ब्रेकआउट जब होगा तो आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं लेना है, आपको वेट करना है कि मार्केट अगर उसके ऊपर चला भी जाता है, समझो ऐसे, तो आपको बहुत सारे लोगों का ऐसा फील करेंगे कि ये हमें ट्रेड छूट चुका है। नहीं दोस्तों, क्या होगा, मार्केट फिर से, जब ये मार्केट इसको इस लेवल को फिर से जब पुल बैक लेगा, ठीक है,
पुल बैक, क्या लेगा? पुल बैक, पुल बैक इधर तक भी ले सकता है, ठीक है। तो जैसे ये पुल बैक यहां पर लेगा तो हमें इस पे अलर्ट होना है, हमारी स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगी। हमें क्या करना है, समझो ये लेवल पे, समझो यहाँ पे क्या था, समझो 41,500 का आपको समझो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, तो हमें कौन सा देखना है? कॉल, क्या देखेंगे हम लोग? कॉल। ये जो चार्ट है दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का लेना है आपको, वो भी 15 मिनट, सॉरी 15 मिनट का आपको चार्ट लेना है। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर इसको आपको ब्रेकआउट दिखा, समझो आपको ब्रेकआउट मिला, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर वेट करना है, ये जो ब्रेकआउट इसने दिया है आपको तुरंत एंटर नहीं करना है, ओके? तुरंत एंटर नहीं करना है, आपको वेट करना है जब तक उसका एक पुल बैक नहीं आ जाए। क्या नहीं आता है? पुल बैक। जैसे ही वो पुल बैक नीचे आता है, तो पुल बैक के नीचे यहाँ समझो यहाँ पर मार्केट आ चुका होगा, तो आपको क्या करना है, इस लेवल पे आपको क्या करना है, बाय करना है। इस लेवल पे ही आपको बाय करना है, ध्यान में रखिए दोस्तों, इस लेवल में आपको बाय करेंगे। स्टॉप लॉस क्या रहेगा दोस्तों? स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस हमेशा एक तो हमारे ये नीचे का, यानी उसकी ये कैंडल की अगर नीचे का, ये जो हो सकता है इसके नीचे का, या फिर जहां पर भी आपका एक स्विंग लो, या स्विंग लो मान सकते हैं, जहां पर भी आपका स्विंग लो हुआ होगा, स्विंग लो, वो स्विंग लो का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। बट ये कहाँ पे होगा? ये पर्टिकुलर चार्ट के ऊपर होगा, जो कि आपका कॉल या पुट होगा। समझ में आ रहा है सबको? तो ये अगर वीडियो अगर समझ में नहीं आ रहा है, बार बार घुमा फिरा के देखिए, एक बार आपको अगर समझ में आ गया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप प्राइस एक्शन के ऊपर बहुत ही बड़ा, ये जो प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजी है ब्रेकआउट की, बहुत बड़ा प्रॉफिट बनोगे, और बहुत बड़ा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनोगे। ओके, तो समझ चुका होगा आप कि यहाँ पर कॉल के साइड अगर ब्रेक हुआ है तो आपको पुल बैक आना है, और यहाँ पे आपको बाय करना है। ये हो गया आपको कॉल साइड। उसके बाद थोड़ा पुट की बात कर लेते हैं हम लोग, पुट साइड की। जैसे भी मार्केट समझो यहाँ पर ऊपर से मार्केट आ रहा है नीचे की तरफ, समझो ठीक है, यहाँ पर नीचे की तरफ मार्केट आ रहा है, और समझो इस लेवल को, मार्केट को अगर ब्रेक करना है, समझो इसने इस लेवल को इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, या फिर ऐसा ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक करने के बाद आपको तुरंत आपको पुट नहीं खरीदना है, तुरंत आपको पुट नहीं खरीदना है, या फिर आपको एंट्री नहीं बनाना है। आपको करना क्या है, सिंपल आपको करना है इसका वेट करना है पुल बैक का, यानी इसको आप क्या करेंगे, पुल बैक का एक वेट करेंगे। जैसे कि पुल बैक यहाँ पे आता है, ऐसा यहाँ पर तक भी पुट बैक आ सकता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ पर ये ब्रेक कर दिया, नहीं, यहाँ तक भी पुल बैक आता है। जैसे ये पुल बैक फिर से नीचे की तरफ आना शुरू करेगा, यानी मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू करेगा, यहाँ पर आपकी शॉर्ट सेल एंट्री होगी। यहाँ पर क्या होगी? आपकी शॉर्ट सेल एंट्री। जी हाँ दोस्तों, समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ मैं? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर जैसे ये 15 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट जब ब्रेकआउट देता है, और जैसे ये पुल बैक करेगा और नीचे कैंडल क्लोज होगी, उस दर यहाँ पर आपको एंट्री लेना है, ओके? और स्टॉप लॉस क्या रहेगा? जो स्विंग हाई होगा, या फिर जहाँ की पिछले की कैंडल जहां से मार्केट शुरू हुआ है। बट कौन सा चार्ट रहेगा? पुट का चार्ट, ठीक है, यहाँ पर आपका चार्ट रहेगा पुट का चार्ट। तो ओके, आपको स्ट्रेटेजी समझ में आ रही होगी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग जाएंगे पर्टिकुलर अभी स्ट्राइक के ऊपर। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देखेंगे, समझो यहाँ पर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे एक लाइव एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो अभी एक मार्केट में क्या हुआ है, एक ब्रेकआउट हुआ है। देखिए लेटेस्ट क्या हुआ है, एक ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट, जैसे ये मार्केट में एक ब्रेकआउट हुआ तो बहुत सारे लोग ने यहाँ पे एंट्री ले ली होगी, और हमें लगता होगा कि यहाँ पे हमारी एंट्री छूट गई है। कोई दिक्कत नहीं, हमें ऐसा ट्रेड हमें नहीं लेना है जहाँ पर, यहाँ पे आपको अगर देखेंगे ना तो ऑप्शंस में ज्यादा क्या होता है, प्रीमियम जो होता है वो जल्दी डिके होता है। यानी अगर आपने एंट्री ले ली और आपको अगर ज्यादा फास्ट मूवमेंट अगर नहीं मिला, तो ऑप्शंस आपका जो आपके तरफ मार्केट आपके साइड में भी रहेगा, तो भी आपका मार्केट में लॉस होगा। तो ये ऑप्शंस में ध्यान रखना है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि ऑप्शंस लाइक एज आइसक्रीम, क्यों? प्रीमियम जो होता है ना वो मेल्ट होता है, जल्दी मेल्ट होता है। तो हमें क्या चाहिए? फास्ट मूवमेंट चाहिए। जब 10-15 मिनट में या 5 मिनट में आप निकल कर, यानी इधर के आप तुरंत प्रॉफिट बना के निकल जाना चाहिए। तो ऑप्शंस को बहुत सारे लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि मैम हमारे जो ऑप्शंस के, जो हमारा कोर्स है, जो कि ऑप्शन के हम जो प्रीमियम हमारा कोर्स है, वो लोगों को इसमें अगर हम सिखाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑप्शन तो सीखते हैं बट ऑप्शन सीखने के बाद फिर भी लॉस करते हैं। क्यों लॉस करते हैं? क्योंकि उनको ये जो सीक्रेट है वो पता नहीं होता है। तो ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो हमने ये एंट्री छोड़ दी, बट जैसे ये जब ब्रेकआउट हुआ तो हमें इस लेवल को याद रखना है। आपको क्या करना है, इस लेवल को एकदम इम्पोर्टेंट, इसको वेरी इम्पोर्टेंट लेवल को इसमें लिख दो, चाहे तो वेट करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। जब वो घूम फिर कर इस लेवल पे आएगा, जब वो घूम फिर कर उस लेवल पे आएगा, तो समझना कि हमारा ट्रेड 100% एग्जीक्यूशन हो जाएगा।
100%। और मैं गारंटी सबको, आपको बड़ा तुरंत आपको प्रॉफिट हो जाएगा, यानी 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर आपको बड़ा प्रॉफिट होगा। तो कैसे, देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये जो लेवल था इसको आपने मार्क करके रखा था 41,500। जब भी आपको इस लेवल पे मिले, देखो आपको क्या करना है, इस लेवल का 41,500 का पुट, 41,500 का पुट, उसको उसके अंदर आपको जाना है। अभी उसके अंदर आपको जाना है, जैसे कि आपने ये देख सकते हो, उसके अंदर आप जब जाएंगे तो वहां पे जैसे आप जाएंगे तो जो ये आपको एक लेवल दिखाई देगी, यहाँ से वो जो लेवल रहेगी यहाँ से, क्योंकि वो जो मार्केट ने जो जो रिकवरी दिखाई है, मार्केट ने जो एक पुलबैक दिखाया है, वो पुलबैक की रैली आप यहाँ पे इसको पकड़ सकते हैं। और आपका स्टॉप लॉस भी देखो कितना छोटा होगा, अगर यहाँ पे आपने एंट्री ली होगी, आपका छोटा आपका स्टॉप लॉस देखिए कितना छोटा होगा, यानी जो मोमेंट की जो इसकी जो स्विंग लो है उसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो यहाँ से देखिए कितना बेहतरीन मार्केट, देखो ये मार्केट ने यहाँ से एंट्री आपको दी है और इतना बड़ा रैली, यानी अगर मैं बात करूँ 327 से लेकर 412 तक की रैली आपको ये आसानी से मिल गई, बहुत ही पावरफुल दोस्तों। उसी तरह दोस्तों ये आपको मैंने दिखाया एक पुट का साइड, यानी मतलब ब्रेकआउट नीचे का दिखाया। उसी तरह आपको क्या करना है, सिंपल उसी तरह आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी के चार्ट में हमें कॉल के साइड यानी अप साइड भी देखना है। अप साइड अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, अगर मार्केट ने, ये जो मैंने बताया एग्जाम्पल ये डाउन साइड का था, अभी हम पीछे की तरफ देखते हैं कि मार्केट ने कहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी आप एक देख सकते हैं, समझो मैं यहाँ पर एक ये जो बड़ी कैंडल बनी है इसका भी एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही आपको अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ, जैसे कि ये कैंडल ने बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया, बहुत सारे लोग इस कैंडल के अंदर घुस चुके होंगे और हो सकता है कि वो फंस भी चुके होंगे या फिर प्रॉफिट भी कमाया होगा। बट मैं फिर से कहूंगा कि आपको क्या करना है, जैसे ही कैंडल इसको ब्रेकआउट दी, आपको डरने की कोई बात नहीं है, आप आराम के साथ, अगर आपका छूट भी जाए तो भी चलेगा, जब ये पुल बैक ले, क्या ले, पुल बैक, जब ये ऊपर जाके जब पुल बैक लेगा तब आप एंट्री करिएगा, तब आपका स्टॉप लॉस भी होगा दोस्तों, आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होगा। अगर जिन्होंने यहाँ पे एंट्री ली होगी ना, उनका स्टॉप लॉस देखिए कितना बड़ा स्टॉप लॉस होगा, इतना बड़ा स्टॉप लॉस में उसका लॉस हो सकता है, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, मैं तो गारंटी के साथ कहता हूँ लॉस होगा। पर आपको क्या करना है, यहाँ पे एंट्री जो लेना है पुल बैक के ऊपर लेना है, जब पुल बैक की एंट्री लोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपके साथ कह सकता हूँ, यहाँ पे देखिए कितना तुरंत आपको यहाँ पे एक रैली मिली, ये बहुत बड़ी रैली दोस्तों, ये आपको 200-300 पॉइंट की रैली है, इतना जबरदस्त प्रॉफिट आपको यहाँ पे होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप समझ पा रहे हो, अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस स्ट्रेटेजी को कंसिस्टेंट 22 दिन तक फॉलो कीजिए। गारंटी के साथ कहता हूँ जितना भी ऑप्शंस के अंदर जिन लोगों ने लॉस किए हैं उनके सारे लॉसेस कवर हो जाएंगे दोस्तों इस स्ट्रेटेजी से, और ये स्ट्रेटेजी बहुत ही पावरफुल है, ये प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी है। और जी दोस्तों अगर ऐसे ही प्राइस एक्शन कोर्स और प्राइस एक्शंस के ऊपर ऑप्शन मास्टरी का, यानी ऑप्शन विद प्राइस एक्शन, ऑप्शन प्लस प्राइस एक्शन मास्टरी, ये जो कोर्स आप अगर करना चाहते हो तो मेरा दोस्तों यहाँ पर एक बेहतरीन जो हमारा कोर्स चलता है जिसका नाम है ऑप्शन प्लस प्राइस एक्शन मास्टरी कोर्स, जिसकी 100% मनी बैक गारंटी है। और ये सिर्फ आपको ऑफर अभी मिल रहा है, फिलहाल एक ऑफर चल रहा है हमारा 15,000 के ऊपर, ये 15,000 में ही आपको ये मिल रहा है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मेरा नंबर भी दिया हुआ है, आप जाके कॉल कर सकते हैं वही आपको। और यहाँ पर अगर आपके पास पैसे नहीं भी होंगे, अगर आपको सीखना है आपको करियर करना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे जरूर कॉल कीजिए, मैं आपको हेल्प जरूर करूंगा। और जिसके पास में सच में पैसे नहीं है, ठीक है, और जिनके पास सच में पैसे हैं और एक अच्छा प्रॉफिट और अच्छा कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, वो जरूर मेरा कोर्स जरूर कीजिएगा, ऐसे कंपलसरी नहीं है, करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो फिर सीखते रहिए, मेरे चैनल के ऊपर आपको बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहेगी। ओके तो दोस्तों मिलते हैं, लगता है आपको ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत ही वैल्यू दे चुका होगा, और उम्मीद करता हूँ अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इससे भी बेहतरीन भारी भारी स्ट्रेटजी और बहुत ही कंसिस्टेंट प्रॉफिट वाली स्ट्रेटजी मैं लेके आऊंगा, अगर इस वीडियो के ऊपर मुझे कम से कम 10,000 लाइक्स अगर मुझे मिलते हैं दोस्तों, तो मैं आपको आने वाले समय में एक बेहतरीन ऑप्शंस बाइंग की और सेलिंग की भी ऑप्शन की स्ट्रेटजी में लेके आऊंगा। और इस चैनल के ऊपर आपको ऑप्शंस के बहुत सारे कोर्स मिलेंगे, डोंट वरी। और दोस्तों जो लोग सच में अपने करियर को एक्स्ट्रा एडवांस करना चाहते हैं या फिर अपने ट्रेडिंग को एडवांस बनाना चाहते हैं, प्रॉफिट कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, वो इस कोर्स को जरूर एनरोलमेंट करिए। एक लिमिटेड समय के लिए इसकी प्राइस बढ़ने वाली है, ये लिमिटेड समय के लिए है और आपके टाइम के हिसाब से होने वाला है, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरफ से अवेलेबल है। तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, डिटेल आप जाके देख सकते हो। ओके और मुझे कॉल कर सकते हैं, जिसको सच में करियर करना है वो मुझे कॉल कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग वीडियो को करते हैं वाइंड अप,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं सबको दिल से धन्यवाद देता हूँ वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।